नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस को स्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वो टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एक नंबर आज आपका कन्फर्म होने जा रहा है। आखिर वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है सौर्यमंडल। सौर्यमंडल के बारे में आज हम लोग 8 से 10 मिनट का क्लास रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा और यहाँ से अपना एक नंबर कन्फर्म करके जाइएगा। देखिए, बिहार पुलिस के लिए भूगोल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ना है, तो बिहार के भूगोल हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ना है, सौर्यमंडल पढ़ना है और भारत की जनगणना 2011 पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को पढ़ना है और बहुत से लोग घबरा जा रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस का जो सिलेबस है आप उसी को पढ़िए और ये सिलेबस 10th लेवल पर है। पिछले बार 12th लेवल पर एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार आपका स्टैंडर्ड लेवल 10वां रहने वाला है, बारहवीं रहने वाला नहीं है, नोटिफिकेशन में दिया जा चुका है। तो उसी लेवल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं और सुबह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार साइंस का क्लास चला रहे हैं, उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि साइंस के क्लास बहुत बड़ा रहता है और हर क्लास से आपका 2 से 3 नंबर साइंस का कन्फर्म होता है। चलिए, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बिहार पुलिस में अगर 2023 में आपको अगर सफलता पाना है तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। लिखा है सौर्यमंडल। सौर्यमंडल का अर्थ क्या होता है? सौर्यमंडल का अर्थ ये होता है कि जो भी ग्रह है, उपग्रह है, जितना भी चीज सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है उसे ही सौर्यमंडल कहा जाता है। यानी जो सूर्य के चक्कर लगाता है उसे सौर्यमंडल कहा जाता है। और सौर्यमंडल से कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है कुल ग्रहों की संख्या 8 है। आप 2006 से पहले देखे होंगे कि ग्रहों की संख्या 9 है, 10 है, ये सुने होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ये कब से मान्यता मिली? 2006 से। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह कौन कौन से है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और अरुण है और वरुण है, ये सब ग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ये कभी अफवाह में मत पड़िएगा कि चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है और ये 8 जो दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रह है। अगला है कि प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। पहले कुल ग्रहों की संख्या 9 थी जिसमें से प्लेटो भी ग्रह हुआ करता था, लेकिन वो सौर्यमंडल के नियम के पालन नहीं करने के कारण उन्हें ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया। अगला क्वेश्चन है मंगल के 2 उपग्रह है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डिमोस, ये जो है मंगल के उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। अरुण ग्रह जो है उसका जो सूर्योदय होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब हाईलाइटेड क्वेश्चन लिखा गया है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है कि अरुण ग्रह में सूर्योदय पश्चिम के तरफ होता है और सूर्यास्त पूरब की तरफ में होता है, और बाकी सभी ग्रह में सूर्योदय पूरब की तरह होता है, सूर्यास्त पश्चिम के तरफ होता है, लेकिन अरुण ग्रह में सूर्योदय जो होता है आपका पश्चिम के तरफ, सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध है और शुक्र ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह का अगर बात किया जाए तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। जिस तरह से हम लिखकर नोट्स बनाए हैं उसी तरह से आपको भी लिखकर सादा पेज पर नोट्स बनाते चलना है ताकि एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अगला है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? तो वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अगला है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, यानी सूर्य से सबसे दूर पर ग्रह कौन है?
नेपच्यून है जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। अगला है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। अब शुक्र ग्रह को आसानी से देखे होंगे, सुबह के समय या शाम के समय इस साइड, सुबह के समय इस साइड है यानी अपने पीछे साइड पश्चिम साइड, और शाम के समय पूर्व साइड एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। उसे लोग अपने भाषा में बोलता है कि सुकवा उगलवा, यानी शुक्र तारा उसी को बोला जाता है जो सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति, यानी बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन है, सबसे ज़्यादा भारी जो ग्रह है वो है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड है। सौरमंडल यानी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह का बात किया जाए तो गैनीमिड है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। जब आपसे शनि पूछा जाए तो आंसर टाइटन होगा, जब सौरमंडल पूछ दे तो आपका आंसर गैनीमिड होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, एकदम ऐसा ही टॉपिक वही पढ़ते चलिए। आपका सिलेबस सितंबर तक हम बोल दिए हैं कंप्लीट करा देंगे तो करा देंगे, उसके बाद रिवीजन क्लास मैराथन क्लास सब कुछ आपको देखने के मिलेगा और वर्दी आपको इसी चैनल से मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हरा ग्रह किसको कहा जाता है। हरा ग्रह आपको मालूम है कि पृथ्वी को ही हरा ग्रह कहा जाता है। भोर एवं सांझा का तारा, देखो भोर यानी सुबह और सांझ वाला तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। लेकिन शुक्र एक तारा नहीं है, शुक्र क्या है, एक ग्रह है, लेकिन आम तौर के भाषा में इसे भोर एवं सांझा का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के दम सटा हुआ दिखाई देती है इसलिए पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, मतलब विशाल लाल एकदम ग्रह दिखाई दे वो कौन सा है, बृहस्पति है। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, शुक्र है। आपको शुक्र आसानी से दिखाई देता है चमकता हुआ, लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। सूर्य क्या है, सूर्य एक ग्रह, सूर्य एक तारा है, सूर्य को ग्रह नहीं मानना है, शुक्र एक ग्रह है। सूर्य के बारे में पूछे कि सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, तो आपको चुपचाप सूर्य पर तारा पर टिक लगा देना है, क्योंकि शुक्र सूर्य एक तारा है और शुक्र के बारे में पूछे तो शुक्र एक आपका ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, सबसे अधिक चमकीला तारा आपका साइरस है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। अगला है सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है, नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह, मतलब पूरा गर्म हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम है शुक्र है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला कौन ग्रह है। अगर रात्रि में लाल कोई चीज़ ग्रह ऊपर दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा है, मंगल ग्रह है जो रात में के समय लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछ दिया, डीमोस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र है। ये सब हाईलाइट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ये था आपका सौरमंडल से निचोड़ यानी सौर स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए सौरमंडल का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये था सौरमंडल का निचोड़। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो एक दो बार देखिए, नोट्स बनाइए और यहाँ से अपना एक नंबर कन्फर्म करके जाइए। सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह में 6:30 बजे आप मेरे साथ बने रहिए साइंस का एकदम सबसे अलग अंदाज में पढ़ने के लिए। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिए।